नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मुंबई की आन बान शान डब्बे वाला। जी हां, मुंबई में डब्बे वाला एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में जानने के बाद आप खुद गर्व महसूस करेंगे। इस संगठन के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर पवन अग्रवाल डब्बे वाला एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है जो आज दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर डब्बावाला ने बीसीआर न्यूज को एक टोपी व एक टिफिन यानी डब्बा देकर सम्मानित किया, जिसके लिए बीसीआर न्यूज डॉक्टर डब्बावाला व डब्बावाला संगठन का तहे दिल से स्वागत करता है। तो आइए जानते हैं बीसीआर न्यूज को दिए एक स्पेशल इंटरव्यू में क्या कहा डॉक्टर पवन अग्रवाल यानी डॉक्टर डब्बावाला ने। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं बहुत ही मशहूर डब्बे वाला। जी हाँ, डब्बे वाला नाम आपने सुना होगा जो कि मुंबई में बहुत फेमस है और मुंबई की एक ब्रांड बन चुके हैं डब्बे वाला। तो आइए जानते हैं आज दिल्ली में डब्बे वाला जी क्या कर रहे हैं। जी डब्बे वाला जी, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज आप यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली किस मकसद से आप दिल्ली पहुँचे हुए हैं आज? आज दिल्ली में ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का 3 दिन का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है और आज 2 घंटा मुझे लेक्चर देने के लिए उन्होंने बुलाया था ताकि यहाँ जो सारे भारत के कंपनी सेक्रेटरीज आए हुए हैं, उनका कन्वेंशन है, उनको मैं जो हमारे सिस्टम की खूबियाँ है वो उनको बताऊं और उनको पता चले कि मैं क्या क्या मैसेजेस उनमें से दे सकता हूँ। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे इन्वाइट किया गया आज दिल्ली में। तो ये जो आपका डब्बे वाला नाम है ये कैसे पड़ा आपका? ये कैसा है कि 125 साल से मुंबई में मुंबई डब्बा वाला के नाम से घर का खाना वो आपके ऑफिस में पहुंचाते हैं और खाना खाने के बाद खाली डब्बा फिर घर पे पहुंचाते हैं और मैंने इसके ऊपर PhD की 9 साल रिसर्च कर और रिसर्च करते साथ साथ मैं लेक्चर देने लग गया। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और जब PhD मिली, डॉक्टर मिला, तो किसी ने मुझे बता दिया तुम डॉक्टर डब्बा वाला हो। तो मैं इनकी जो सिस्टम है सर, इतनी काबिले तारीफ सिस्टम है, 125 साल से डिब्बा दे रहे, कभी एक गलती नहीं, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि डिब्बा लेट गया ऑफिस में, ऐसा कभी होता नहीं है। डिब्बे में लोग घर से पैसा पहुँचाते हैं, कभी वो पैसा चुराया नहीं गया। जब कभी कस्टमर घर पे मोबाइल भूल जाता है तो उसकी बीवी डिब्बे में मोबाइल डाल के भेज देती है। इतना ही नहीं, जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो आपस में लव लेटर शेयर करके मेल जोल कर लेते हैं डब्बे के अंदर से। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि मुंबई का डब्बा वाला ये दो आत्माओं का मिलन करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई व्यवसाय करते हो, कोई काम करते हो सर, उससे कुछ काम बनना चाहिए। जैसे आप आज ये कुछ इंटरव्यू लोगों को बता रहे हैं तो इंटरव्यू के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से लोगों ने कुछ सीखना चाहिए, ये आपका मकसद होता है। वैसा हमारा मकसद है कि काम के साथ साथ हमारा नाम भी हो और अच्छे कुछ काम कर जाए जिससे कस्टमर का भला हो। तो अभी जो इस फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं मुंबई में? हाँ सर, मुंबई में 5,000 लोग काम कर रहे हैं और रोज 2 लाख डिब्बे सप्लाई करते हैं। ये 2 लाख मतलब 2 लाख घरों से डिब्बा उठाते हैं, मतलब एक बंदा करीबन 40 डिब्बा उठाता है, उसका बोझा, उसका वजन करीबन 60 से 65 किलो होता है। तो डिलीवरी किस तरह से होती है, किस चीज पर लेके जाते हैं? ये जैसे सर पर एक हम बास्केट बोलते हैं, लकड़े का खोखा, या साइकिल पर, या कंधे पर, या हाथ हैंड कार्ड बोलते हैं उसको, उसमें ले आते हैं। और 40 का वजन इतना, और वो भी उस भीड़ वाली लोकल ट्रेन में जिसमें आम आदमी को खालिया चढ़ना मुश्किल है। ये बंदे सर, लोकल ट्रेन तो काफ़ी कंजस्टेड होती है, बहुत कंजस्टेड है, बहुत भीड़ है, उसमें लेके निकलते हैं। अभी हमने सुना है कि आपको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड से भी नवाजा था, तो उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जरा क्या कैसे रहा वो पल आपके लिए? बहुत सुनहरा पल था। इसका कारण है कि जब हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो उन्होंने ऐसे 100 चुनिंदा लोगों को चुना कि जो इस अभियान पे काम कर सकते हैं। यह हमारे मुंबई का सौभाग्य है कि वो 100 लोगों में एक ब्रांड एम्बेसडर के नाम से मुंबई डब्बावाला को चुना गया और 3 महीने पहले राष्ट्रपति भवन में ये 100 लोगों को बुला गया, उनको नवाजा गया। सर
कभी सोच नहीं सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों में एक ये छोटे काम करने वाले लोगों को भी स्थान दिया गया। सर 2003 में प्रिंस चांस मिलने आए थे मुंबई में डब्बे वालों को, मतलब 100 साल बाद ऐसा हुआ क्योंकि प्रिंस चार्ल्स मिलने आया। सर उसके बाद हमारे भारत में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री ने इनको ऐसे चुना। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है ये सारे 5000 लोगों के लिए। तो अभी आप दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर दिल्ली वालों को तो मैं बहुत अच्छा मैसेज दूंगा। ये दिल्ली में है, बिल्कुल कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है जी। लेकिन सर ये मैं कहूंगा कि कहीं पर भी कोई गलत ना समझे, सर हमारे मुंबई में अनुशासन को बहुत ज़्यादा महत्व है जी। कभी भी ये डिब्बे वाला अपने काम से किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी झगड़ा नहीं करेगा, कभी हाथापाई नहीं करेगा। सर क्यों ये कहते हैं कि मैं जो काम अच्छा कर रहा हूँ उससे किसी को तकलीफ ना हो। कहीं पर भी सर ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि ये विदाउट टिकट घूम रहे हैं। सर आज इनका पूरे विश्व में नाम है, तो मुंबई में नाम है, सर फिर भी ये अपना खुद का रेलवे पास और लगेज का रेलवे पास लेके निकलते हैं। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि डब्बा वाला बिना टिकट सफ़र करेगा? इम्पॉसिबल। इसका कारण क्या है कि बोलते हैं सर जब अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा नाम भी हो ना जी। तो मैं चाहता हूँ सर पूरे विश्व में दिल्ली का नाम है, दिल्ली दिलवालों के ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो मेरा एक संदेश है क्योंकि नौजवानों को खास तौर पर कि यदि आपके शहर को, आपके देश को आगे बढ़ाना है तो अच्छे काम में हमारा योगदान होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत खुशकिस्मती है जबकि हम किसी राजनीति से कभी जुड़े ही नहीं, सारे नेता हमारे लिए एक बराबर है, लेकिन सर जब स्वच्छता अभियान का हुआ तो हम सर हफ्ते में 2 दिन मुंबई में स्वच्छता अभियान करते हैं। सर हफ्ते में 1 दिन संडे को हम योगा सिखाते हैं। जिस दिन पता चला कि हमारे भारत के योगा को इंटरनेशनल योगा डे का चयन किया गया, सर हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। तो यही काम सर मैं चाहता हूँ मुंबई, दिल्ली जो बड़े बड़े शहरों में होना चाहिए, खासतौर पर सर पूरे विश्व में मुंबई दिल्ली का नाम है जी। तो मैं चाहता हूँ नौजवान इस काम में आगे आए, और मैं चाहता हूँ सर आप भी अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसे कई मैसेजेस लोगों को दे, ताकि सर हम समझते हैं कि हमारा एक मैसेज सर कई जिंदगियां बदलता है। तो ये मेरा मैसेज है। दूसरा मैसेज नौजवानों को ये है सर कि आप एक काम जो करते हो तो आप नशे से उसको काम कीजिए, जुनून, हम जिसको इंग्लिश में पैशन बोलते हैं, जुनून, पैशन, जुनून बहुत होना चाहिए सर। पैसा सेकेंडरी हो, काम पहले हो, काम पहले हो। सर हमारा ऐसा मानना है यदि आपका नाम है तो काम अपने आप होगा, और काम है तो नाम अपने आप होगा। हमारा ये संदेश सर दिल्ली को है, क्योंकि हम भी सर हमें सिग्मा मिला है दिल्ली की बदौलत। सर डब्बा वालों को ISO सर्टिफिकेट मिला दिल्ली की बदौलत, मतलब ऐसे कई दिल्ली वालों के काम हमें भी अनुभव है, तो हमारी गुजारिश है कि ऐसा काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि डब्बे वाला आज मुंबई में फेमस है, तो क्या वो दिल्ली में भी अलावा हो सकता है, दिल्ली में भी आप कर सकते हैं उसको? बहुत अच्छा सवाल है सर। कैसे है ये मुंबई डिब्बे वाला केवल मुंबई में काम क्यों कर पाता है? सर हमारे भारत में एक मुंबई अकेला शहर ऐसा है जहाँ पर लोकल ट्रेन सीधी चलती है 60 से 70 किलोमीटर, कहीं भी राउंड ताड़ा टेढ़ा नहीं है, तो ये पूरा बड़ा कवरेज करता है मुंबई का लोकल ट्रेन। दूसरा सर इतनी भीड़ मुंबई के अलावा कहीं पर भी नहीं है, मुंबई के अलावा कहीं इतनी भीड़ नहीं है। जैसे आप दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है सर, जब तक आप मेट्रो ट्रेन के दरवाजे से हटोगे नहीं, दरवाजा बंद नहीं होगा। हमारा तो सर 15 सेकंड में लोकल ट्रेन चलती है, आप गेट पे हो या लटको या कुछ भी हो, मुंबई बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है सर। तीसरा मुंबई है, शायद इस वजह से ये सिस्टम केवल मुंबई में चलती है। बाहर सर चलती होगी आपके दिल्ली में, लेकिन एक बंदा 10-20 डब्बा देता है, 2 लाख डिब्बे सर कहीं पर। वही मैं आपसे इसी बात के मेरे क्वेश्चन के आपसे कि दिल्ली के अंदर चलता है लेकिन 10-12 डब्बे छोटा मोटा कोई ले गया ले गया। बिल्कुल सही। लेकिन जो अपनी ब्रांच को अगर आप दिल्ली में लाना चाहें तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? सर ब्रांच तो ये लोग ला नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है सर, हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा एक अनुशासन होता है, एक वैल्यूज होते हैं, प्लस कल्चर होता है, संस्कार होते हैं। सर ये ज़्यादातर ऐसे मराठा लोग हैं जिसको हम मराठी में माळकरी बोलते हैं, ये विट्ठल भगवान के भक्त हैं। तो सर ये उसी गांव से आसपास के लोग वहाँ के बसे हैं,
तो सर ये लोग मुंबई के बाहर कहीं काम करने जाएंगे तो इनको सूट नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुंबई के बाहर वहाँ के वर्कर आए, यहाँ के वर्करों को लेकर के मैं वो कह रहा हूँ। सर मैं तो इस जैसे आपने वहाँ एक संगठन बना के एक खड़ा किया है, वही संगठन को आप दिल्ली के अंदर बना के खड़ा कर सकते हैं। सर बिल्कुल खड़ा कर सकते हैं। सर मैं तो एक आपके माध्यम से निवेदन दूंगा कि सर दिल्ली के कुछ लोग एक साथ आए और सर आप हमें बताएं कि सर आप यहाँ पर 8 दिन आके बैठे। सर मेरा मानना है कि वहाँ से सर 2-4-5-10 लोग आएंगे, आपके संगठन को चाहिए उतना ज्ञान देंगे और आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो संगठन आपके वहाँ पे डब्बे वाले का जो संगठन बना हुआ है वो संगठन बहुत मजबूत संगठन, बहुत मजबूत है सर। और वो संगठन को हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी आए, वो दिल्ली में भी, क्योंकि लोग परेशान हैं। अब सुबह अपना डब्बा लेके निकलते हैं खाने का और कई बार तो खाना ख़राब हो जाता है, कहीं बाहर से खाना खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं, तो वो फैसिलिटी अगर दिल्ली में भी आ जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। सर मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से, शायद ये हो गया तो सर हम तो ऐसा कहते हैं ना कि हम अन्नदाता है। वही ना, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चूँकि अन्न किसी को खिलाना, भूखे को रोटी देना, ये आपका काम है। ये बहुत खुशी की बात है कि आप आज एक इतना अच्छा काम, नेक काम कर रहे हो कि जो आदमी भूखा होता है उसको टाइम से खाना पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है, ये बहुत बहुत पुण्य का काम है, इसको कहते हैं। बहुत सही है सर, बहुत पुण्य का काम। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू जरा दिल्ली में भी हो जाए तो सभी लोगों को, यहाँ जितने दिल्ली के लोग हैं उनको एक तसल्ली, दिल को एक अंतरात्मा को शांति मिलेगी कि हाँ हमें भी खाना मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, हम कोशिश करेंगे कि आपके संगठन को हम मजबूती से सहयोग करें जी, वो दिन जल्दी आए तो हो सकता है दिल्ली डब्बा वाला शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत खुशी की बात है, हम भी दुआ करेंगे कि वो दिन जल्दी आए, बिल्कुल डब्बे वाला यहाँ भी फेमस हो जाए। ग्रेट सर, ग्रेट जी, शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। तो देखा दर्शकों, अभी हमारे बीच थे डॉक्टर डब्बे वाला जी। जी हाँ, बीसीआर न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री के साथ देव शर्मा, दिल्ली।